की शुरुआत में हम एक पायरेट को दिखाते हैं जो एक सुनसान आइलैंड पर आया है। वो वहां किसी बुक की खोज में था। कुछ ढूंढने के बाद उसे फाइनली एक लाश मिलती है जिसके पास बुक रखी हुई थी। पायरेट बड़ा खुश होता है, उससे वो बुक लेता है और वापस लौटने लगता है। लेकिन तभी अचानक वो मुर्दा खड़ा होकर उससे लड़ने लगता है। पायरेट भी उस पर पलटवार कर देता है और फाइनली वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। उस बुक को खोलकर अपने साथी पक्षियों को एक कहानी सुनाता है। वो कहानी समुद्र में रहने वाले जीवों की थी। उनमें एक स्पॉन्जबॉब नाम का शख्स था जो अपना एक रेस्टोरेंट चलाता था। उसका रेस्टोरेंट काफी ज्यादा फेमस था क्योंकि पूरे ओशन में सिर्फ वही था जो कैबी पैटी नाम का बर्गर बनाता था। हाँ, एक भी ऐसा शख्स नहीं था जो कैबी पैटी का दीवाना ना हो। वहीं दूसरी तरफ स्पॉन्जबॉब के रेस्टोरेंट के पास ही प्लांकटन नाम का कीड़ा रहता था। वो स्पॉन्जबॉब की कैबी पैटी की रेसिपी को चुराना चाहता था ताकि वो भी एक अमीर आदमी बन सके, लेकिन हर बार उसकी रेसिपी चुराने की कोशिश नाकामयाब हो जाती। फिर एक दिन प्लांकटन सच में जोश में आ जाता है और वो टैंक्स और रोबोट्स लेकर स्पॉन्जबॉब पर हमला कर देता है। स्पॉन्जबॉब और उसके साथी काफी कोशिश करते हैं उसे रोकने की, लेकिन अंत में प्लैंकटन उनकी रेसिपी तक पहुंच जाता है। लेकिन वहां भी फूटी किस्मत प्लैंकटन का साथ छोड़ देती है और उसके रोबोट में फ्यूल खत्म हो जाता है। अब बुरी तरह निराश हो प्लैंकटन अपने घर चला जाता है। वो बाहर जाकर बहुत ज्यादा रोने लगता है। स्पॉन्जबॉब का साथी उसकी इस हालत को देख बहुत मजाक उड़ाता है, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है कि असल में बाहर जो रो रहा था वो प्लैंकटन का एक रोबोट था और असली प्लैंकटन उस रॉकर के अंदर रेसिपी चुरा रहा था। वो फिर रेसिपी को उठाकर वहां से लगता है कि तभी वहां स्पॉन्जबॉब आकर उसे देख लेता है। दोनों में झड़प होने लगती है, लेकिन तभी रहस्यमय तरीके से वो रेसिपी अपने आप गायब हो जाती है। वो दोनों को कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या हुआ। वहीं तभी बहुत सारे लोग भी आ जाते हैं और उन्हें जब ये पता चलता है कि रेसिपी गायब हो गई है, तब सब लोग बहुत ज्यादा बौखला जाते हैं क्योंकि वो रेसिपी सिर्फ एक ही कागज पर लिखी हुई थी। वो उस रेसिपी को दुनिया से छुपाना चाहते थे और वो इस कदर उसको छुपा कर रखना चाहते थे कि स्पॉन्जबॉब ने खुद उस रेसिपी को कभी याद नहीं किया था। अब गैरी, जो स्पॉन्जबॉब की रेस्टोरेंट में काम करता था, वो प्लैंकटन को पकड़ उसे टॉर्चर करने की कोशिश करता है ताकि वो जो उसने फॉर्मूला छुपाया है वो उगल दे। सबको यही लग रहा था कि प्लैंकटन ने ही फॉर्मूला अपने पास चुराया है, लेकिन सिर्फ स्पॉन्जबॉब को ही पता था कि प्लैंकटन निर्दोष है। इसीलिए वो चालाकी से प्लैंकटन को लेकर वहां से भाग जाता है। अब पायरेट कहानी को समाप्त कर उस डायरी को साइड रखने लगता है। पक्षी उससे कहती है कि इस कहानी में ये क्या हुआ, इतनी बुरी एंडिंग, इसे जल्दी से तुम सुधार दो। पायरेट मना करता है कि एंडिंग यही रहेगी, लेकिन पक्षी फिर उससे लड़ने लगती है। जिस पेज बुक का लास्ट पेज जिस पर द एंड लिखा हुआ था समुद्र में गिर जाता है। उस पेज को एक गिलहरी जो समुद्र के अंदर एक चेम्बर में रखा करती थी वो उठा लेती है। वो गिलहरी एक रिसर्चर टाइप की गिलहरी थी और उसका नाम सैंडी था। फिर स्पॉन्जबॉब प्लैंकटन के साथ सैंडी के पास जाता है हेल्प मांगने, लेकिन वहां सैंडी इतनी होशियार थी कि द एंड लिखे कागज को एनालाइज कर वो ये कहने लगती है कि सैंडविच देवता हमसे नाराज हो गए हैं, जिस वजह से सारी काबी पैटी खत्म हो गया। अब स्पॉन्जबॉब को यहाँ से भी मदद नहीं मिलने वाली थी, इसीलिए वो उदास हो चला जाता है। वो फिर अपने दोस्त क्रैब के पास जाने का डिसाइड करता है कि वो तो मेरी बात सुनेगा, लेकिन वो भी स्पॉन्जबॉब के इस कारनामे से काफी गुस्सा था, इसीलिए वहां से भी स्पॉन्जबॉब को भागना पड़ता है। अब ग्राहक को वो दोनों काफी उदास हो जाते हैं, लेकिन तभी प्लैंकटन को एक आइडिया आता है कि वो टाइम मशीन बनाए और टाइम के पीछे जाकर उस रेसिपी को ले आए। स्पॉन्जबॉब को यह आइडिया काफी ज्यादा पसंद आता है, जिसके बाद वो तुरंत टाइम मशीन बनाने लगता है। इसको बनाने के लिए उन्हें एक सुपर कंप्यूटर की जरूरत थी, इसीलिए प्लैंकटन अपने घर जाकर उसे लाने का डिसाइड करता है। उसका कंप्यूटर असल में एक पावरफुल एआई थी और असल में प्लैंकटन की वो वाइफ भी थी। प्लैंकटन की वाइफ एक एआई कंप्यूटर थी। प्लैंकटन के घर पर स्पॉन्जबॉब का दोस्त पैट्रिक पहरा दे रहा था और उसकी वाइफ यानी कंप्यूटर को चेन से बांध रखा था। वो दोनों फिर चुपके से वहां जाते हैं और क्रैब के गले से चाबी निकालकर उस कंप्यूटर को खोलते हैं और काफी स्ट्रगल करने के बाद वो कंप्यूटर वहां से ले जाते हैं और अपनी टाइम मशीन बनाना शुरू करते हैं। अब उनकी कुछ देर में ही टाइम मशीन बनके रेडी हो जाती है, जिसके बाद वो एज ए टीम बनकर मिशन पर जाते हैं। लेकिन वो फर्स्ट टाइम मशीन को यूज कर रहे थे, इसलिए कुछ गड़बड़ी के चलते वो सिर्फ 4 दिन ही आगे जा पाते। वहां चारों तरफ रेगिस्तान ही रेगिस्तान था, यानी दंगा फसाद इतना होने लगा कि पूरा सिविलाइजेशन ही खत्म हो गई। वहां सिर्फ पैट्रिक बचा था जो कि पागल बन चुका था। स्पॉन्जबॉब काफी ज्यादा डर जाता है और वो तुरंत टाइम मशीन में बैठ सही टाइम चूज करता है, लेकिन इस बार वो हजारों साल आगे फ्यूचर में पहुंच जाता है। वो एक स्पेसशिप में पहुंचता है जहां एक डॉल्फिन प्लैनेट्स की मूवमेंट पर ऑब्जर्व कर रही थी। वहां डॉल्फिन स्पॉन्जबॉब से बात करती है और कहती है कि तुम जरा 2 मिनट इन प्लैनेट्स को देखो और मैं अभी वॉशरूम से आई। अब स्पॉन्जबॉब ऐसा ही करता है, लेकिन क्योंकि उसे सिर्फ देखने के लिए कहा था इसलिए वो सिर्फ देखता ही रहता है और इतने में 2 प्लैनेट्स आपस में टकरा जाते हैं। अब जब डॉल्फिन ये सब आकर देखती है तो वो बहुत गुस्सा होती है क्योंकि अब उसकी जॉब उसके हाथों से जाने वाली थी। वो तुरंत स्पॉन्जबॉब और प्लैंकटन पर हमला करती है, लेकिन कैसे ना कैसे करके स्पॉन्जबॉब जान बचाकर टाइम मशीन में बैठ जाता है। अब वो टाइम मशीन चालू करता है
है और सीधे उस समय में जाता है जब पुराने प्लैंकटॉन रेसिपी चुरा रहा था। अब हमारा प्लैंकटॉन जो अच्छा बन चुका था वो पुराने प्लैंकटॉन से रेसिपी मांगता है और दोनों में छीना झपटी होती है, जिसके बाद फाइनली स्पॉन्ज बॉब और प्लैंकटॉन रेसिपी ले टाइम मशीन में आ जाते हैं और प्रेजेंट में चले जाते हैं। अब सब बहुत खुश होते हैं क्योंकि उन्हें अब रेसिपी मिल चुकी थी। वहीं फिर हमें पायर को दिखाते हैं जो अब लैंड पर आ चुका था। वो फिर अपनी शिप को गाड़ी में ट्रांसफॉर्म कर बीच पर कैबी पैटी का ठोला खोल लेता है और अपना बिजनेस करने लगता है। वहीं फिर समुद्र के अंदर स्पॉन्ज बॉब खुश होकर रेसिपी को खोलता है, लेकिन उसे पता चलता है कि ये तो फर्जी रेसिपी है जो प्लैंकटॉन असली रेसिपी के साथ एक्सचेंज करने के लिए लाया था। अब सब ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि अभी अभी पैट्रिक ने कैबी पैटी के पागलपन में गलती से वो टाइम मशीन भी तोड़ दी थी और अब वो वापस टाइम मशीन में भी नहीं जा सकते थे। अब सब गुस्से में आ स्पॉन्ज बॉब को फांसी पर चढ़ाने का डिसाइड करते हैं, लेकिन तभी स्पॉन्ज बॉब को वहां ऊपर जमीन से पायरेट की बनाई हुई कैबी पैटी की खुशबू आने लगती है। वो ये बात सबको बताता है और सबको भी कैबी पैटी की स्मेल आने लगती है। स्पॉन्ज बॉब आइडिया देता है कि वो लैंड पर जाकर कैबी पैटी को हासिल कर सकते हैं, जिसके बाद सब ऐसा ही डिसाइड करते हैं। लेकिन तभी क्रैब कहता है कि ये स्पॉन्ज बॉब की एक और चालाकी है, ये हम सबको लैंड पर ले जाकर मारना चाहता है कि हम सब सिर्फ पानी में ही सांस ले पाते हैं। अब स्पॉन्ज बॉब की काफी उदास हो जाता है क्योंकि ये बात सच भी थी कि वो पानी के बाहर जाते ही मर जाएगा। लेकिन फिर तभी वहां पे फ्यूचर डॉल्फिन आती है जो स्पॉन्ज बॉब से काफी ज्यादा खुश थी कि वो खुद उस स्ट्रेस भरे नौकरी से निकलना चाहती थी। वो फिर स्पॉन्ज बॉब को थैंक यू बोलती है और उसकी प्रॉब्लम को समझते हुए उसे फ्यूचर टेक्नोलॉजी देती है जिससे वो पानी के बाहर भी सांस ले सकते थे। फिर वहां से वापस टाइम ट्रैवल करके फ्यूचर में चली जाती है। अब स्पॉन्ज बॉब और उसके साथी काफी खुश होते हैं और वो सीधे लैंड पर आ जाते हैं। वो बाहर की इंसानों वाली दुनिया देख काफी ज्यादा खुश होते हैं और सब वहां पर मस्ती करने लगते हैं। लेकिन फिर क्योंकि उन्हें क्रैबी पैटी भी ढूंढनी थी इसीलिए वो आगे बढ़ते हैं। वो फिर उस पायरेट के पास पहुंच जाते हैं जहां वो क्रैबी पैटी बना रहा था। अब स्पॉन्ज बॉब और उसके साथियों के साथ चुपके चुपके प्लैंकटॉन भी आ गया था। उसका यही प्लान था कि वो रेसिपी को खुद चुरा लेगा। वहीं फिर पायरेट जब उनको देखता है तो काफी ज्यादा शॉक होता है कि ये सब क्रैबी पैटी को ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गए। फिर स्पॉन्ज बॉब और उसके साथियों को ये पता चलता है कि इस पायरेट के ऐसी बुक है जिसमें जो वो लिखता है वो सच होने लगता है और उस बुक में लिखकर पायरेट ने हमारी वो रेसिपी गायब करके अपने पास बुला ली थी। अब ये देखकर स्पॉन्ज बॉब को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन फिर तभी पायरेट उससे पीछा छुड़ाने के लिए उसकी डायरी पर लिखता है कि स्पॉन्ज बॉब और पार्टी अभी इसी वक्त दूर एक पेलिकन आइलैंड पर पहुंच जाए, जिसके बाद वो जादू से पेलिकन आइलैंड में पहुंच जाते हैं। वहां चारों तरफ बहुत सारे बाज मंडराने लगते हैं जिससे सबको डर लगने लगता है। लेकिन तभी सैंडी वो द एंड वाला पेज और वो स्पॉन्ज बॉब को आइडिया देती है कि तुम भी इस पर कुछ लिखो, जिस पर स्पॉन्ज बॉब समझ जाता है और वो अपने दोस्त ऑक्टो की इंक का यूज करके उस पर लिखता है, जिसके बाद वो तुरंत पायरेट के पास पहुंच जाता है। स्पॉन्ज बॉब और उसके साथी अब सुपरमैन की तरह शक्तिशाली बन चुके थे। वो अपनी इमेंस पावर से सीधे पायरेट पर हमला करके उससे वो बुक और रेसिपी छीनने लगते हैं, लेकिन मौका पाकर पायरेट अपनी शिप को लेकर भागने लगता है। वो सब अपने तरीकों से उसका पीछा करने लगते हैं, लेकिन एंड में वो उसे पकड़ ही लेते हैं। फिर पैट्रिक अपनी पावर्स का यूज करके पोटैटोस का उन पर शॉट करता है, लेकिन पायरेट भी कम शक्तिशाली नहीं था। वो उसके शूट किए हुए पोटैटोस को उल्टा वार करके पैट्रिक को ही मार देता है। को भी वो अपनी गन यूज करके और स्पॉन्ज बॉब को तोप के गोले से घायल कर देता है। पायरेट बुरी तरीके से उन्हें हराने लगता है, लेकिन तभी वहां प्लैंकटॉन आता है जो कि उन सब में सबसे ज्यादा शक्तिशाली बन चुका था, क्योंकि उसने भी उनके जाने के बाद उस पेज में अपने नाम के बारे में काफी कुछ लिख लिया था। अब प्लैंकटॉन की हिम्मत और ताकत को देख पायरेट उसे अपनी जान बचाकर भागने लगता है, लेकिन बिल्कुल भी दया नहीं दिखाकर प्लैंकटॉन पायरेट को दूर एक आइलैंड में फेंक देता है। अब प्लैंकटॉन के हाथ में रेसिपी भी आ चुकी थी और उसका एक बार मन करता है कि वो रेसिपी का यूज करके अमीर बने, लेकिन क्योंकि उसने स्पॉन्ज बॉब के साथ इतना टाइम स्पेंड किया था कि उसे वो अब अपनी एक टीम मानने लगा था और अब अच्छाई के फूल उसमें खिलने लगे थे, जिस वजह से वो रेसिपी को स्पॉन्ज बॉब को ही दे देता है और वो सब अब अपने अंडरवाटर शहर में वापस आ जाते हैं और सब